यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। रीता पिछले कई महीनों से कांग्रेस से नाराज चल रही हैं। राहुल के किसान यात्रा में भी नहीं गई रीता। चुनाव से पहले अखिलेश सरकार का राम कार्ड। अखिलेश यादव कैबिनेट ने दी अयोध्या में थीम पार्क बनाने को मंजूरी। अयोध्या के रामलीला केंद्र में अखिलेश सरकार बनाएगी हाईटेक रामलीला थीम पार्क। अखिलेश की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर लगी मुहर। मदरसा शिक्षकों का वेतन दोगुना करेगी सरकार। एक बार फिर से पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से गोलीबारी में एक जवान शहीद। यूपी के संभल के रहने वाले थे शहीद जवान सुधीश कुमार। आज उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। शहादत से कुछ घंटे पहले सुधीश ने व्हाट्सएप के जरिए भाई को भेजी थी तस्वीर। दिवाली में घर आने का किया था वादा। शहीद सुधीश की पत्नी कविता का रो रो कर बुरा हाल। बेटी की याद में मां गम में डूबी। शहीद सुधीश कुमार के घर वालों ने कहा अपने बेटे की शहादत पर हमें गर्व। भाई ने कहा शहादत का लूंगा बदला। उरी हमले की जांच में जुटी आर्मी के जरिए खुलासा। सीढ़ी के सहारे पाक के चारों आतंकवादियों ने की थी घुसपैठ। अनंतनाग में पुलिस वालों से 5 गन छीनकर आतंकवादी फरार। टीवी टावर पर तैनात थे सुरक्षाकर्मी। चंडीगढ़ में पाकिस्तान को राजनाथ सिंह ने दी हिदायत का आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर न बताए पाक। राजस्थान राजनाथ ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी। हमारा उद्देश्य पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद करना। फारूख अब्दुल्ला ने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से ही मामला होगा हल सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं। पाक कलाकारों के समर्थन में प्रियंका चोपड़ा ने उठाई आवाज। न्यूयॉर्क में पूछा डॉक्टरों नेताओं कारोबारियों पर क्यों नहीं लगती रोक। इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने अनुराग कश्यप की निंदा की कहा पाकिस्तान में जाकर बनाएं फिल्म। कल अनुराग ने पाक कलाकारों को लेकर करण जौहर का किया था बचाव। प्रधानमंत्री से पूछा था आपने पाक दौरे के लिए क्यों नहीं मांगी माफी। हिमाचल के कसौली में खुशवंत सिंह की याद में लिटरेचर फेस्ट का आयोजन। इस बार पाकिस्तानी लेखकों को नहीं बुलाया गया। खुशवंत सिंह के बेटे राहुल सिंह ने कहा पाक लेखकों को आमंत्रित नहीं किया इसका अफसोस। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर 2 घंटे रोके गए उमर अब्दुल्ला बोले हर बार ऐसा होता है। ट्रिपल तलाक पर बोले रामदेव मुसलमानों को इस पर करना चाहिए विचार। महिला अधिकारों का हनन है ट्रिपल तलाक। दिवाली में चीन के सामान का रामदेव ने किया विरोध कहा चीन भारत के साथ नहीं उसे मजबूत न करें। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान आतंकवादी से नहीं सेल्फी से लगता है डर। नेताओं पर स्याही और जूता फेंकने को उमा भारती की चेतावनी कहा मेरे साथ हुई ऐसी घटना तो मलिदा निकाल दूंगी बाद में जो होगा देखा जाएगा। बेंगलुरु में आरएसएस स्वयंसेवक की बेरहमी से हत्या एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे आरएसएस स्वयंसेवक किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात। पुणे में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या जमीन विवाद या सियासी रंजिश की आशंका। चेन्नई में कावेरी विवाद को लेकर रेल रोको आंदोलन। करुणानिधि के साथ मिलकर बापी की विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन किसान भी हुए शामिल। कावेरी विवाद को लेकर टेक्निकल टीम ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट। तमिलनाडु सरकार की गुहार के बाद तैयार हुई है ये टेक्निकल रिपोर्ट। मोदी अमित शाह के गढ़ में गरजे केजरीवाल। सूरत रैली में बगैर नाम लिए अमित शाह को बताया जनरल डायर। बीजेपी कांग्रेस को बताया पति पत्नी। सूरत में केजरीवाल की जनसभा का विरोध प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल को दिखाए काले झंडे।
जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और हार्दिक पटेल के समर्थन में लगे नारे, पुलिस ने करीब 50 को लिया गिरफ्तार। आज अदालत से आप विधायक गुलाब सिंह का ट्रांजिट रिमांड मांगेगी दिल्ली पुलिस, रंगदारी के मामले में कल हुई थी गिरफ्तारी। मथुरा में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद बवाल, नाराज भीड़ ने बस में लगा दिया आग। उग्र भीड़ ने कई दूसरी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, तमाशबीन बनी रही मथुरा पुलिस, बस चालक की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में रस्सी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, बिजली के तार टूट कर गिरने से हादसे की आशंका, लाखों का नुकसान। राजस्थान के टोंक में फोटो खिंचवाने के दौरान मंच टूटा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई लोग नीचे गिरे। मंच टूटने से पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा भी घायल हुए, ज्योतिबा फुले मूर्ति के अनावरण का था कार्यक्रम। बिहार के गडियार में साइड नहीं मिलने पर बाइकर्स ने किया गुंडागर्दी, ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को बीच सड़क पर पीटा। दिल्ली में आईटीओ के पास जबरदस्त सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी ओर पलटी, 5 जख्मी, 2 की स्थिति गंभीर। जेएनयू कैंपस से 15 अक्टूबर से एमएससी फर्स्ट ईयर का छात्र लापता, एक दिन पहले हुई थी इसकी पिटाई, एफआईआर दर्ज। एआईएसए ने एबीवीपी पर लगाया छात्र को गायब करने का आरोप, एबीवीपी नेता ने इसे सांप्रदायिक रंग देने का लगाया आरोप। दिल्ली के तिलक नगर में नशीला पदार्थ खिलाकर लड़की से दोस्त ने किया रेप, 15 अक्टूबर की वारदात, पुलिस ने दोस्त को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सरिता विहार में जली अवस्था में मिली महिला की लाश, शिनाख्त में जुटी पुलिस। दिल्ली में एक बार फिर 10 रुपए के नकली सिक्के बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया, 2 गिरफ्तार, 800 सिक्के बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर क्रिकेट के बैग में बंद मिली महिला की लाश, रेप की आशंका। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भाई की पिटाई कर नाबालिग बहन से गैंगरेप, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। कोटा में आत्महत्या करने वाले सुपौल के छात्र का अंतिम संस्कार, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। जोधपुर में शराब के नशे में एक युवक ने अपने दोस्त पर सरिये से हमला कर उसे मार डाला, गिरफ्तार। पटना में दानापुर खगोल रोड पर एक सेल्समैन को गोली मारकर 3 लाख रुपए लूटे, गंभीर। कानपुर में नौकरी का झांसा देकर होटल में लड़की से रेप, 1 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी के हाथरस में एक ऑयल मिल में अचानक धमाका, 3 मजदूर जख्मी, मेंटेनेंस वर्क के दौरान सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में नवजात की चोरी, पीड़ित परिवार ने केस दर्ज कराया। हावड़ा में महिला की हत्या, घरवालों ने ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगाया। पूर्वी मिदनापुर में चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार, गिरोह के सदस्यों पर कई वारदात का आरोप। मुर्शिदाबाद में बस ने बाइक सवार को कुचला, 2 की मौके पर मौत, 1 जख्मी। वर्धमान में आदिवासी महिला से रेप और फिर विरोध करने पर आरोपी के घरवालों ने की पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुरुलिया में गैर कानूनी रूप से फिर से कराई गई भैंसों की लड़ाई, हजारों की तादाद में लोग हुए शामिल। दक्षिण दिल्ली एमसीडी के खिलाफ आप ने खुला मोर्चा, भ्रष्टाचार काम नहीं करने का आरोप। ठाणे में मराठा क्रांति मोर्चा ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन, 2 लाख लोग जमा हुए। शौर्य स्मारक कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने से कीर्ति चक्र विजेता शहीद गोपाल के परिजन नाराज, राजनीति का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक मोहल्ले में 23 तलाकशुदा महिलाएं, सभी ने कहा यह तलाक मौत से बदतर। गुजरात का गीर वन फिर से पर्यटकों के लिए खोला गया, 4 महीने के लिए, 16 अक्टूबर तक रहता है बंद। सोनीपत के गन्नौर रेलवे स्टेशन पर शताब्दी की चपेट में आकर सास बहू की मौत, मंदिर से घर लौटने के दौरान हादसा। भरतपुर में पुलिस ने चिता को पानी से बुझाकर निकाला मृतक का शख्स, 40 साल के शख्स की गोली लगने से हुई थी मौत। बेटे पर पिता को गोली मारने का आरोप, पुलिस ने शव को जांच के लिए अपने पास लिया।
जान बचाकर यमन से दरभंगा लौटी मेडिकल की दो सगी बहनें, रजिस्ट्रेशन के लिए ठोकरें खाने को मजबूर, मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद नहीं कोई सुनवाई। मध्य प्रदेश के कटनी में बिना शौचालय नहीं बनेगा पासपोर्ट, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कटनी पुलिस का अनूठा अभियान। बिहार के मुजफ्फरपुर में चीन के सामान की जलाई गई होली, बड़ी तादाद में लोगों ने जताया विरोध। असम के चिरायदेव जिले में पुल टूटने से लोग परेशान, 20 गांवों की आबादी प्रभावित। असम के नौगांव में 9 दिन से बीमार हाथी की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम। पुरानी दिल्ली के जाम मस्जिद में हेरिटेज रिक्शा राइड की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के बेटे सिद्धांत और उनके दोस्त ने की है डिजाइन। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने उठाया हेरिटेज राइड का लुत्फ, फिल्म से जुड़े कलाकार भी मौजूद। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई जाकर मुख्यमंत्री जयललिता से मिलेंगे, 22 सितंबर से अस्पताल में भर्ती हैं जयललिता। रविवार को चेन्नई में अस्पताल पहुंचे रजनीकांत, मुख्यमंत्री जयललिता का हालचाल जाने। कोयंबटूर में जयललिता की सेहत के लिए विशेष पूजा का आयोजन, 36 साधुओं ने किया मंत्रोच्चार। मदुरई में AIADMK समर्थकों ने जयललिता के लिए की प्रार्थना, घी के दीपक जलाए। ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लोगों को जागरूक करने की पहल, सिलीगुड़ी से निकली साइकिल यात्रा 1000 किलोमीटर की होगी। एक बार फिर देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल के अवार्ड से सम्मानित हुआ आज तक IBC इन्फो मीडिया ने दिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड इंडिया टुडे TV को सबसे भरोसेमंद अंग्रेजी न्यूज चैनल का सम्मान। इंडिया टुडे को मिला सबसे भरोसेमंद पॉलिटिकल मैगजीन का खिताब, बिजनेस मैगजीन बिजनेस टुडे को भी सम्मान। दिल्ली NCR में अधूरे पड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का असर, दिवाली पर कारोबार में 60% की गिरावट, SHM का सर्वे। इस दिवाली 30% तक कम हो सकता है मेड इन चाइना व्यापार, कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने किया दावा। दिल्ली में फैशन वीक का आखिरी दिन डिजाइनर JJ वालिया और अल्पना नीरज के नाम रहा। रामगोपाल वर्मा ने जारी किया सरकार 3 का पोस्टर, अमिताभ, जैकी श्रॉफ, मनोज वाजपेयी शामिल। रविवार को फिल्म कुछ कुछ होता है कि रिलीज के 18 साल पूरे, करण जौहर ने कहा शाहरुख ने मेरे सपने को साकार किया। बुडापेस्ट में शाहरुख ने तस्वीर शेयर की, द रिंग फिल्म के कर रहे हैं शूटिंग। केरल में 4th सालगिरह मनाएंगे सैफ, करीना और मां मौजूद। आलिया भट्ट ने कहा करण जौहर की फिल्म मैं दिल है मुश्किल में DJ बनने का अनुभव शानदार रहा। धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया, 1-0 की सीरीज में ली बढ़त। पहले वनडे में मैन ऑफ द मैच रहे हार्दिक पांड्या, 3 विकेट लिए। भारत की तरफ से विराट कोहली ने खेली नाबाद, 85 रनों की शानदार पारी। रियो मेडल विजेता साक्षी मलिक की सगाई, मंगेतकर सत्यव्रत कादियान के साथ की सगाई, जो हैं पहलवान। कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत की जीत की हैट्रिक, अर्जेंटीना को 54 अंकों के बड़े अंतर से हरा दिया। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला, BCCI ने सिफारिशें मानने से कर दिया है इनकार। अमेरिका में 93 साल पुराना पुल गिराया गया, नदी पर बनाया जाएगा अब नया पुल। जर्मनी में नियंत्रित ब्लास्ट करके एक पुराने पुल को गिराया गया, हाईवे बनाने की तैयारी। अमेरिका में 3,000 एकड़ में आग से तबाही, दमकलकर्मी बचाव अभियान में जुटे। अमेरिका में मैथ्यू तूफान के बाद बड़ा प्रभाव इलाका प्रभावित, रिहायशी इलाकों में भर गया पानी। अमेरिकी ओलंपियन स्प्रिंटर ट्रायसन गे की बेटी की गोली मारकर हत्या, 2 लोग गिरफ्तार।